साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 23 मार्च के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, मतलब आज के करंट अफेयर पर विस्तृत चर्चा करेंगे। 10 क्वेश्चन हम लाते हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के होते हैं और आपके जो एग्जाम्स के लिए कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए ये जरूरी है कि आप डेली की डेली हमारे साथ बने रहिए, रिविजन कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए और अगर पीछे का कैलिब्रेटर का करंट अफेयर देख लीजिए। आप वो एक भी क्वेश्चन अगर बाहर जाए तो बताइए, करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। टेक ट्रस्ट, ट्रस्ट रखिए और क्वेश्चंस देखिए, आपको इम्पोर्टेंट लगेंगे तभी देखिए। और जो भी मटेरियल होगा उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है 10 क्वेश्चनों के माध्यम से, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक मटेरियल डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। आज के 10 क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन, किस महिला खिलाड़ी के नाम पर हॉकी स्टेडियम रखा गया है, का नाम रखा गया, तो रानी रामपाल, रानी राम पाल पूर्व क्या है, पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन, महिला हॉकी टीम की कप्तान। और इन्होंने, इनके नेतृत्व में ओलंपिक में टीम फाइनल तक पहुंची थी। अच्छे खिलाड़ी अब भी टीम की सदस्य हैं और तो इनके नाम पे मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कौन, रायबरेली की, रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम, हॉकी स्टेडियम का नाम इन्हीं के नाम पे क्या रख दिया, रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ, रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ ये रखा है, मतलब रायबरेली में इसका नामकरण किया गया। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली ने हॉकी नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रख दिया है। इसके अलावा बहुत और हॉकी स्टेडियम है, जैसे ऐशबाग हॉकी स्टेडियम भोपाल में है, आपका रांची में है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद हॉकी में चंद में हॉकी स्टेडियम लखनऊ में है, राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, आपका बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है, मेजर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में है, सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम जो है जालंधर में है, मेन मेन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट 2023 क्या कहती है, तो जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, परिवर्तन रिपोर्ट 2023 इसमें चिंता व्यक्त की गई है। ये कहा कि मानवीय गतिविधियों के कारण, मेन क्या फोकस है, मानवीय गतिविधियों के कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ये पॉइंट याद रखिएगा, मानवीय गतिविधियां का कारण बताया गया ग्लोबल वार्मिंग को, और अगर ऐसी बढ़ती रही इसी दर से अगर रही तो 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पृथ्वी का तापमान वृद्धि हो जाएगी। लेकिन हमें कहाँ तक बताया रहना, 1.5 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाने देना, से ऊपर जाने पर संकट हो जाएगा, मानव जीवन के लिए संकट हो जाएगा, के लिए संकट हो जाएगा। इसलिए ये आपके जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा मेन उसमें क्या है, तो यही आपको मेन है कि सबसे कमजोर लोग और पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन इसमें किया गया है। इसमें क्या किया गया, भारतीय ऊर्जा, मतलब आपका आरक्षणीय ऊर्जा जो है उपयोग, भूमि उपयोग है, भूमि उपयोग में परिवर्तन है, ये सब जो आपके माने गए हैं ग्रीन हाउस उत्पन्न करने के सबसे बड़े कारक है माने गए हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन, भूमि परिवर्तन,
जैसे कहते हैं ना कि खेती योग्य भूमि है उसमें फैक्ट्री लगा ली, भट्ठा लगा लिए, इस टाइप के परिवर्तन जो किए जा रहे हैं वो खतरा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। मेन ये रीजन बताया गया है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, तीसरा एलिवेट का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये एलिवेट क्या है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? स्टार्टअप को इनोवेशन देने के लिए, स्टार्टअप को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए ये एलिवेट रखा गया है भारतीय दूतावास द्वारा, दुबई में महावाणिज्य दूतावास, भारतीय दूतावास द्वारा दुबई में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास द्वारा स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच प्रदान करने हेतु, वैश्विक मंच प्रदान करने हेतु पिचिंग रीच बनाई गई है, ये बनाया गया है जिससे क्या होगा, पूरे वैश्विक मंच जिससे स्टार्टअप की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। और क्या करें इसमें, इसमें 6 भारतीय स्टार्टअप ने भाग लिया, तो एक पिचिंग श्रृंखला बनाई गई, एक पिचिंग श्रृंखला जिसे एलिवेट कहा गया, एलिवेट नाम दिया गया। 6 भारतीय स्टार्टअप जो क्या थे, भारतीय स्टार्टअप पुरस्कार विजेता जो थे, 6 भारतीय स्टार्टअप्स 2022 पुरस्कार विजेताओं को शामिल किया गया, इनको वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए, वैश्विक मंच देने हेतु दुबई में आयोजन किया गया है आपका एलिवेट का। तो ये बहुत बड़ी चीज है जिससे कि भारतीय स्टार्टअप क्या करें, वैश्विक मंच साथ आपके विचार साझा करके, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस करके और कुछ टेक्नोलॉजी उनसे अडाप्ट करके उसके अपने दे करके अपने गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। वैदिक विचार संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देने हेतु तो ये वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया गया। इसमें कई देश जो हैं इसमें शामिल हैं इसको करने के लिए, जैसे अमीर शाह ने कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, मंगोलिया है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश शामिल हैं इसमें, बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत अन्य देश शामिल हैं। जैसे कंबोडिया जो भारतीय संस्कृत से प्रभावित हैं, वेदों में विश्वास रखते हैं, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, प्लस अन्य दक्षिण एशियाई देश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश शामिल। फिफ्थ क्वेश्चन है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किसने पारित किया? तो राजस्थान सरकार ने, राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, सबके स्वास्थ्य के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 7% बजट आवंटित किया है अपने जीडीपी का, ने सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु, मतलब कोई भी
सर अस्पताल इलाज करने के लिए मना नहीं कर सकता किसी भी इमरजेंसी में, और अगर पैसा वो नहीं चुका पाता है रोगी तो उसकी सरकार प्रतिपूर्ति करेगी। इसकी इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब सबके लिए स्वास्थ्य बहुत ही बड़ा कदम है। सॉरी, राज्य का कर्तव्य स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री कर दें तभी ग्रोथ संभव है, भले और में टैक्स में आप बढ़ोतरी कर दें। ये बहुत अच्छा कदम है सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु। बजट का कितना 7% आवंटन किया। राजस्थान सरकार का कहना है कोई भी इलाज, मतलब पैसे की कमी के कारण किसी को मरना नहीं, कि ऐसा ना कि उसको इलाज ना मिले, कंपलसरी है। पहले 10,000 जुर्माना लगाया जाएगा, फिर 20,000, और फिर जेल भी होगी। तो बहुत बड़ा कदम है जिसका जो प्राइवेट अस्पताल वाले लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अडिग है तो लागू करके रहेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, जो जनहित के से जुड़ा हो। तो सरकार वही है जो जनहित में काम करे, अपने राज्य का ध्यान रखे। स्वास्थ्य और शिक्षा अगर ध्यान दे दिया तो राज्य का विकास भी होगा, और लोग क्यों कमाते हैं, कुल क्यों करते हैं, अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए, शिक्षित होने के लिए। जब शिक्षित होंगे तो अपने आप उनका विकास होगा, उनको रोजगार प्राप्त होगा, अपना व्यवसाय कर सकेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, अपने राज्य का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे, अपना तो विकास करेंगे करेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, वन वेव इंडिया 2 मिशन किसने लॉन्च किया। तो इसरो ने लॉन्च किया है 6 वन वेव इंडिया 2 मिशन किसने लॉन्च किया। इसरो द्वारा, इसरो भारतीय अंतरिक्ष विकास संगठन, इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने लॉन्च किया है। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से। आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से लॉन्च किया है। वन वेव इंडिया मिशन क्या है? इसके अंतर्गत अभी 26 मार्च को क्या होगा, लगभग 5850 किलोग्राम के, 26 मार्च 2023 को 5850 किलोग्राम के 36 उपग्रहों को 450 किलोमीटर लो ऑर्बिट में पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। स्थापित किया जाएगा तो ये मिशन है आपका वन वेव इंडिया 2। LVM 3rd से, Mark 3rd से, LVM 3rd से लॉन्च व्हीकल द्वारा ये जो है। तो इतनी इसकी इसमें जानकारी इतनी सफिशियंट है आई थिंक। 7th क्वेश्चन है आपका, 9 बस उगादि त्योहार कहाँ मनाएगा। तो तेलंगाना में, तेलंगाना में कौन मनाता है? तेलुगु, तेलुगु लोग जो होते हैं, भाषी लोग, भाषी लोग 9 वर्ष की शुरुआत पे, 9 वर्ष की शुरुआत पर, चैत्र के प्रथम दिवस पर, तो 22 तारीख को हुआ चैत्र के, कल मतलब प्रथम दिवस पर मनाते हैं। और कौन मनाता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश द्वारा भी मनाया जाता। तो ये 9 वर्ष का
जो है त्योहार है, नव वर्ष उगाद त्योहार इसको कहते हैं तेलुगु भाषी। हम लोगों के नवरात्र शुरू होते हैं अप्रैल के, जो मतलब मार्च के बाद के होते हैं, वो है नव वर्ष होता है चैत्र प्रतिपदा। अगला क्वेश्चन है आठवां, 2022 के भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बना है? तो रणवीर सिंह बने हैं। कौन बने हैं? रणवीर सिंह 2022 के सबसे मूल्यवान। उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ा है, विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए रणवीर सिंह जो है पहले पे, दीपिका पादुकोण पांचवें पे आए हैं, जो पति पत्नी है। दो हजार बाईस के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी रणवीर सिंह बने हैं। कितनी इनकी वैल्यू है टोटल? तो इनकी वैल्यू जो है 181.7 मिलियन वैल्यू है इसकी। कितनी है? 181.7 मिलियन डॉलर ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू है। और इन्होंने किसको पछाड़ा है? विराट कोहली को। विराट कोहली की कितनी वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू उनकी है 179 समथिंग है, 176.9 है कोहली की, 176.9 मिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे 153.6 मिलियन डॉलर किसकी है? अक्षय कुमार की। फिर फोर्थ में कौन आया है? आलिया भट्ट। महिलाओं में प्रथम है, महिलाओं में प्रथम याद रखिएगा। फिफ्थ पे दीपिका पादुकोण। तीन के बाद तो स्थान माना नहीं जाता, चलो फिर भी हमने लिख दिया। सेलिब्रिटी सबसे मूल्यवान रणवीर सिंह, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। अब हमारे अगला नाइन्थ क्वेश्चन है, ये है कि बुंदेलखंड यूपी में कितने सौर पार्कों की मंजूरी दी गई है? तो ऊर्जा मंत्री कौन हमारे? आर के सिंह जी ने, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने ये घोषणा की है। नाइन्थ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है हमारे? आर के सिंह, आर के सिंह ने बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड यूपी, यूपी में 8 सोलर पार्कों की मंजूरी दी है। सोलर पार्कों को की मंजूरी दी है। मेन मेन कहाँ बनाया जाएगा? ललितपुर है, जालौन है, चित्रकूट है, कालपी है। कहाँ? ललितपुर कहाँ स्थापित होंगे? ललितपुर, जालौन, कालपी, कालपी और कहाँ स्थापित होंगे? ललितपुर, जालौन और कालपी में स्थापित किया जाएगा इनको। और बेसिकली हाँ, चित्रकूट में, कालपी चित्रकूट, चित्रकूट के घाट भर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। छह जगह है, तो भगवान राम की यहाँ गए हुए थे तो इसलिए और फेमस है, तो यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे मेन मुख्य रूप से। टेंथ क्वेश्चन है साथियों, इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है? चीफ ऑपरेटिंग
ऑफिसर किसे इंडिया कास्ट ने, हाँ ये तो बताया ना, कितनी क्षमता के ये नियुक्त किए जाएंगे, लगभग 4,595 मेगावाट, मेगावाट के कुल क्षमता से, कुल क्षमता के ये पार्क होंगे। तो 10th क्वेश्चन है हमारा, इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है, तो पीयूष गोयल को, ऊर्जा मंत्री नहीं वो, सॉरी रेल मंत्री नहीं, पीयूष गोयल को बनाया। इंडिया कास्ट है क्या, इंडिया कास्ट किसके द्वारा बनाई है कंपनी है, ये आपकी TV18 और YCOM18, YCOM18 के स्वामित्व वाली कंपनी है, TV18 और YCOM18 के संयुक्त स्वामित्व वाली क्या है, डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लेसमेंट कंपनी है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लेसमेंट कंपनी। और ये जो पीयूष गोयल थे, इन्होंने TV18 में भी सेवाएं भी दी हैं अपनी, और किस में सेवाएं दी हैं, सारे Network 18 में सेवाएं दी हैं, और Star TV में Network 18 स्टार उसमें TV में भी सेवाएं दी हैं, Star TV, ND TV, ND TV में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, और आपका डेन नेटवर्क जो है उसमें भी मीडिया कंपनी सेवाएं दी, डेन नेटवर्क जैसी मीडिया कंपनी में सेवाएं दी हैं, कंपनी में सेवाएं दी हैं, 20 साल से अधिक का अनुभव है। तो इंडिया कास्ट कौन सी कंपनी है आपको पता चल गया, पीयूष गोयल को नियुक्त किया है, क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाता है, इसलिए आपको प्रमुख जो है इंडिया में जो नियुक्तियां हैं भारत में या भारत के बाहर हो मालूम होनी चाहिए। तो साथियों ये मल्टी प्लेटफॉर्म कंपनी है, चाहे आप सीधे कह रहे हैं, ये कौन मल्टी प्लेटफॉर्म कंपनी है, मल्टी प्लेटफॉर्म कंपनी है। साथियों ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया है, मेन मेन चीजें हैं, इससे जो टॉपिक वाइज होती हैं वही लाते हैं, बेकार का कोई ऐसा मटेरियल नहीं होगा जो अपसर्ड हो, आपके लायक ना हो, जो आपसे रिलेटेड है, कंपटीशन में मुख्य रूप से आने वाला है वही क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। समझ लीजिए आपके जो पिक पॉइंट होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम से आने के लिए श्योर हैं, इनसे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, डेली आप देखते रहे, कैलिबर द का करंट अफेयर्स, एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बाहर नहीं जाएगा, जबकि ये बहुत ही बड़ा वेटेज होता है, स्कोरिंग होता है, 40% तक आता है एग्जाम में, इसी बेस पे लोग छटते हैं जिनका रह जाता है, इसलिए आप ऐसा नहीं, आप सिलेक्ट होंगे, कैलिबर अड्डा के साथ बने रहे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर अवश्य करिए, हमारे कैलिबर अड्डा नया चैनल 6 महीने पुराना, इसको एक्सटेंड करिए, और आपका ऐसी तरह सहयोग बना रहे, कैलिबर अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और कुछ भी सजेशन तो जरूर दीजिए, मस्त रहे साथियों, कैलिबर अड्डा में व्यस्त रहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्त कीजिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, जय हिंद साथियों।